Cakes will remain everyone's favorite, whether decorated with fondant or cream cheese frosting or a plain. In this video, I'm going to show you a very healthy and a cake without baking. Yeah, you heard it right. तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं something new. So don't miss it. Watch till the end. इसके साथ साथ इस वीडियो में हम बताएंगे how to make spoon sugar decorations और घर पे ही whipped cream cheese कैसे बनाया जा सकता है for cake frosting. Hello everyone, welcome to Are We Out of Box. To get all notifications, click here. Click here and click here. Enjoy! For the cake base, एक बड़ा सा microwave proof bowl लीजिए और उसमें पानी, घी और जैगरी mix कर दीजिए और इसको 2 मिनट के लिए high temperature पर cook करें, जब तक कि गुड़ पिघल जाए. अब एक प्लेट में कोर्स व्हीट फ्लावर लीजिए और इसको ऑयल से अच्छे से मोइन कर लीजिए. अब इस कोर्स व्हीट फ्लावर मिक्सचर को हॉट जैगरी मिक्सचर में डाल के अच्छे से मिला लीजिए. अब 3 मिनट के लिए इस बाउल को ढक कर कवर करके माइक्रोवेव में हाई टेम्परेचर पर कुक कर लीजिए. वापस उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर से 3 मिनट के लिए कुक कर लीजिए कवर करके. गिव द स्टैंडिंग टाइम ऑफ 2 मिनट्स. अब इस कुक्ड मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल लीजिए और अपने हाथों से अच्छे से मसल लीजिए. अब इसमें घी और जरूरत पड़ने पर कैस्टर शुगर भी डाल सकते हैं. तो आवर बेसिक सिंपल बिना बेकिंग के केक बेस इज रेडी. प्लेन केक बेस मिक्सचर में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स. अब हम इस प्लेन केक बेस को कुछ फ्लेवर्स देंगे, जिसके लिए आप 2 बाउल ले लीजिए और इस प्लेन बेस को आधा आधा दोनों बाउल में बांट दीजिए. अब हम इसको फ्लेवर्स देंगे. आप अपनी पसंद की कोई भी फ्लेवर्स दे सकते हैं. यहाँ पे मैंने क्रैनबेरी क्रश बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक बाउल में क्रैनबेरी क्रश ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून डालेंगे और साथ में दूसरे बाउल में हम 1 टेबलस्पून होममेड चॉकलेट सॉस डालेंगे. दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब हम केक बेस को शेप देने के लिए एक टिन ले लेंगे, राउंड शेप देने के लिए राउंड टिन. सबसे पहले चॉकलेट फ्लेवर का केक बेस डालेंगे और प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे. इसके बाद उसके ऊपर कुछ क्रैनबेरीज और चोको चिप्स डालेंगे और फिर उसके ऊपर वापस दूसरा फ्लेवर क्रैनबेरी फ्लेवर का बेस को हम सेट कर लेंगे अच्छे से. अब इस बेस को सेट करने के लिए हम 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे. जब तक हमारा केक बेस सेट होता है, तब तक हम केक के लिए फ्रोस्टिंग तैयार कर लेंगे, जो होगा व्हिप्ड क्रीम चीज फ्रोस्टिंग. उसके लिए एक वेसल में अनस्वीटन व्हिप्ड क्रीम और क्रीम चीज डालेंगे और उसको इस तरीके से व्हिप कर लेंगे. 0 से शुरू करके फिर हम हाई पर व्हिपिंग करेंगे. अभी थोड़ा सा थिक हो गया है, अब हम इसमें पाउडर्ड शुगर डालेंगे और फिर से हाई पर व्हिप कर लेंगे. एक बात जरूर से ध्यान में रखें, व्हिप्ड क्रीम चीज फ्रोस्टिंग बनाने के लिए व्हिपिंग क्रीम और क्रीम चीज का चिल्ड होना बहुत ही जरूरी है. तो हमारा व्हिप्ड क्रीम चीज फ्रोस्टिंग तैयार है और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा टेक्सचर हमें मिल गया है एंड इट्स ऑलरेडी रेडी. हम इस व्हिप्ड क्रीम चीज फ्रोस्टिंग को कुछ देर के लिए फ्रीज में रख देंगे. गुजराती कंसार या फिर लापसी को माइक्रोवेव में बनाने के लिए आप एग्जैक्ट यही इंग्रेडिएंट्स और प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं. अब हम फ्लेवर्ड केक बेस को अनमोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही फ्लेवर अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, क्रैनबेरी और चॉकलेट. अगर आप चाहें तो आप बीच में से इसको कट करके भी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं. यहाँ पे मैं इस केक बेस को ऐसे ही यूज करने वाली हूँ. यहाँ पे जैसे कि हमने 2 फ्लेवर्स दी है, इससे हम 2 फ्लेवर्स को साथ में एंजॉय कर सकते हैं.
या फिर आप कोई एक फ्लेवर भी दे सकते हैं। सो अब हम कुछ इस तरीके से व्हिप्ड क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग करेंगे हमारे केक बेस के ऊपर। एंड वाला, इट्स रेडी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख देंगे और तब तक लेट मी शो यू हाउ टू मेक स्पून शुगर डेकोरेशन। के लिए सबसे पहले एक पैन ले लीजिए और उसके अंदर 1 कप शुगर ले लीजिए और उसको मेल्ट होने दीजिए। इस तरीके से ये धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छे से कैरमलाइज होने लगी है और ये हमारा कैरमल रेडी हो चुका है जिसके थ्रू हम स्पून शुगर डेकोरेशन बनाएंगे। कैरेमल हल्का सा कूल होने के बाद अब हम कुछ किचन यूटेंसिल्स और उसके साथ कुछ ट्रिक्स करके डिफरेंट डिजाइन्स में स्पून शुगर डेकोरेशन बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम यूजिंग डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट डिजाइन्स। और ये डिजाइन क्रिएट करने से पहले यूटेंसिल्स को मैंने ग्रीस करा हुआ है जिससे हम इसको आराम से अनमोल्ड कर पाएंगे। घर पे या मार्केट में आपने काफी डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉस्टिंग्स देखे होंगे पर दिस इज समथिंग रेयर एंड समथिंग न्यू एंड क्वाइट ट्रेंडी नाउडेज। इस स्पून शुगर डेकोरेशंस को आप हीट लगने ना दे, जैसे कि मुझे नए नए आइडियाज को ट्राई करना बहुत ही अच्छा लगता है। आई हैव क्रिएटेड दिस अ हेल्दी वर्जन केक बेस जिसको अब हम स्पून शुगर डेकोरेशंस के साथ डेकोरेट करेंगे। आप अपनी पसंद का डेकोरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चॉकलेट सॉस या यूज कर रही हूँ एज आई लव चॉकलेट्स। We are making cake, bread, biscuits, cookies oftenly. पर क्या हम जानते हैं इस सब में जो कॉमन इंग्रेडिएंट है मैदा, जिसमें से 97% फाइबर को निकल दिया गया होता है, जिससे अगर हम मैदे के बनाए गए प्रोडक्ट्स को ज्यादा कंज्यूम करते हैं इससे काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं और हो सकते हैं, जैसे कि अर्ली प्यूबर्टी, ओबेसिटी, डायबिटीज और इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स। और साथ में ये और भी कई इश्यूज खड़े कर सकता है क्योंकि हमारी लाइफ काफी सेडेंटरी हो चुकी है। यही सोच के सब मैंने ये नया फाइबर रिच और जिसमें ज्यादा कुकिंग और बेकिंग सोडा का भी यूज ना हो ऐसा कुछ क्रिएट किया और यहाँ पे दिखाया गया है, जिससे आप भी इसको हेल्दी वर्जन को ट्राई करें, यानी कि हेल्दी भी और टेस्टी भी एंड ऑफ कोर्स इंस्टेंट टू। इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आरओई आउट ऑफ बॉक्स एंड गिव अ लाइक। And don't forget to comment your thoughts into the comment box down below. Please do share with everyone. Thank you.